ये रिश्ता क्या कहलाता है। आग बंद होने का टाइम हो गया, हमें चलना होगा। नक्श चले। नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कीर्ति ऊपर बीबी कमरे में ही है। कार्तिक नायरा, क्या हुआ भाई? मुझे मुझे कीर्ति जी की आवाज आई। जरूर कोई गलतफहमी हुई है, कीर्ति नहीं आई। नहीं कार्तिक, वो है, मुझे उनकी आवाज सुनाई थी। वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी मुसीबत में और मुझे बुला रही। नक्श मेरी बात सुनो, नहीं आई है। बात सुनो भाई, सुनिए। नक्श 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 रुक जाओ, गिर जाओ अंधेरे में। नक्श नक्श रुक जाओ, कीर्ति नहीं है वहां पर। नक्श नक्श भाई रुकिए। नक्श नक्श रुक जाओ। कीर्ति नहीं है यहाँ पर। नहीं कार्तिक, या तो कीर्ति दी सच में आसपास है या फिर भाई उन्हें इतना मिस कर रहे हैं कि सच और कार्तिक में फर्क नहीं कर पा रहे। भाई नक्श, कीर्ति दी नक्श, संभालो अपने आप को, पागल हो गए हो? नक्श कीर्ति क्यों आएगी यहाँ, क्यों आएगी वो, यह जाना भी मना है। तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो कार्तिक? मुझे कीर्ति जी की आवाज सुनाई दी। वो नहीं जाना, नक्श नहीं है यहाँ पर। प्लीज कार्तिक, प्लीज मेरी बात सुनो। नक्श मुझे माफ कर दीजिए कीर्ति जी, I'm really sorry, मैंने आपका दिल दुखाया, धोखा दिया मैंने आपको। नहीं नक्श, कोई धोखा नहीं दिया आपने मुझे, मैंने आप पर पूरा विश्वास नहीं किया, I'm sorry। विश्वास तो मैं नहीं कर पाया कीर्ति जी, अगर करता तो
शादी से पहले आपको सब बता देता, लेकिन आपसे सच कहूं तो एक डर सा था। डर लग रहा था मुझे कहीं आप सच सुनने के बाद रिश्ता ना तोड़ दे। जो रिश्ते प्यार और विश्वास की नींव पे खड़े होते वो टूटने से डरते नहीं, ये मजबूत रिश्ते होते जो जिंदगी के तूफानों में आपका सहारा बनते। और जहां विश्वास नहीं होता ना, वहां हर बात झूठी होती है, हर गलती गुनाह लगने लगती है। और ऐसे रिश्तों को ढूंढने से तो उनका ना होना ही अच्छा होता है। सिर्फ कीर्ति जी का नहीं, मैं तुम दोनों का भी गुनहगार हूं। मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आई, बहुत शर्मिंदा फील कर रहा हूं। I'm sorry। नहीं भाई, तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे, बहुत खराब बिहेव किया मैंने तुम्हारे साथ, जो मैं आया कह दिया। I'm sorry। It's okay कार्तिक, वो तुम्हारा कंसर्न था अपने बहन के लिए, जो मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं वादा करता हूं कार्तिक, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान करे तुम लोग हमेशा ऐसे एक दूसरे से प्यार करते रहो, मेरी बहन को हमेशा खुश रखना। ओके, घर चले, बहुत देर हो गई है। अगर आप सबकी इजाजत हो तो क्या मैं अपनी वाइफ को घर लेके जा सकता हूं? बिल्कुल, इनफैक्ट अगर तुम कहो तो इसे छोड़ने हम सब तुम्हारे साथ चल सकते हैं। इससे पहले आप सब लोग मुझसे सवाल पूछें, मैं जवाब दे देता हूं। लल्ला, कीर्ति आ गई गुड़िया रानी। ये तो बहुत अच्छा हुआ लल्ला। अरे पर ये हुआ कैसे? कीर्ति जी ने मुझे माफ कर दिया। ये क्या कह रहे हैं आप नक्श? इन्होंने मुझे अपनी बात समझाई और मैं समझ गई। शाबाश बेटा कीर्ति, इसी तरह जीवन भर एक दूसरे के प्रति समझदारी दिखाते रहना दोनों। जब दो टूटे हुए लोगों का रिश्ता बनता है ना, तो वो टूटने के लिए नहीं बल्कि वो उन्हें और मजबूत बनाता है। और ये बात हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अब भगवान के आगे हाथ जोड़ो, ये तो बहुत खुशी का मौका है। आओ बेटा, आओ। Thank you.
हमारा रिश्ता तो ठीक हो गया। अब नायरा और कार्तिक के बीच भी सब ठीक हो जाए भगवान। ये रिश्ता क्या कहलाता है।